लोकेश पराशर जी आपका स्वागत करते हैं पहले स्टार्स वगैरह न्यूज़ में। धन्यवाद। अच्छा लोकेश जी, ये बताएंगे इस बार जो जीत हुई है 2020 की विधानसभा की, इस बार में आप क्या जनता में या पार्टी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता ने जो कैंपेनिंग देखी है और पार्टी ने जो कैंपेनिंग देखी है, कहीं ना कहीं हमें एक्सपेक्ट भी था कि हमें जो हमने काम किए हैं वो हमारे को बेसिक फैसिलिटीज जो हमने अच्छी प्रोवाइड किए हैं उसके ऊपर जनता हमारा विश्वास फिर से हमारे पे जमाएगी, ये अंदर से था। पीछे जो आखिरी के 15 दिन में जो कैंपेनिंग हुई, जो काफ़ी एंटी सेंटीमेंट हुई और नेगेटिव कैंपेनिंग हुई, उससे थोड़ा सा हमें लग रहा था कि भी शायद दिल्ली की जनता जो है कुछ इन्फ्लुएंस होगी, लेकिन वी आर वेरी थैंकफुल टू दी सिटीजन ऑफ दिल्ली कि वो लोग बहुत समझदार हैं, बहुत मेच्योर्ड हैं और उन्होंने ऐसी किसी बात का भी विश्वास नहीं किया और डेवलपमेंट के ऊपर वोट डाला है। सर क्या उम्मीदें थी आपको कि 62 सीटें आएंगी? मेरे कहने से तो मैं तो 68 से ऊपर देख रहा था, और लेकिन कहीं ना कहीं जो लास्ट 15 दिन में जब एंटी नेगेटिव कैंपेनिंग आनी शुरू हुई तब लगा था कि भाई 10-12 सीट का कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमें देश दिल्ली की जनता ने हमें गलत प्रूव कर दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सर मगर एक तरफा जैसे मोदी जी का चेहरा था देश हित को लेकर भी कहीं ना कहीं कंपटीशन चला था दिल्ली में, तो इस बार चला नहीं मोदी जी का चेहरा भी? देखिए, अगर आप मोदी जी का अपना कैंपेन देखेंगे जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने विकास की बात की थी, उन्होंने कांग्रेस आए को नीचे बताया था कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया, करप्शन बहुत है, कोई काम नहीं हो रहे, और अपना विकास का मॉडल आगे लाए थे, तो देश ने उनको इसलिए चुना था। आप अब उसी चीज़ को अगर आप लागू करेंगे दिल्ली में तो आप देखेंगे आज बीजेपी कांग्रेस की जगह खड़ी है और आम आदमी पार्टी विकास की बात कर रही है। तो जो पार्टी विकास की बात करेगी, जो पार्टी मूलभूत फैसिलिटीज की बात करेगी, दिल्ली की जनता ने क्लियर मैसेज दे दिया कि हमें वही आदमी चाहिए और कहीं ना कहीं हम उनके सेवक हैं, तो उन्होंने बता दिया कि भाई मेरी सेवा करनी है तो मेरी सेवा तो इन चीजों में होगी। अच्छा लोकेश जी, मैं जानना चाहता हूँ जैसे 5 साल जनता ने दिए केजरीवाल सरकार को, पिछला पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य में आप जैसे कह रहे हैं कि हमने दावा ठोक रहे हैं कि इन कामों में हम परिवर्तन आया, मगर आने वाले 5 साल जो जनता ने दिए द्वारा, तो आने वाला समय कैसा रहेगा? देखिए, ये चीजें तो हमने बेसिक स्टार्ट किए हैं देनी, इसको और एक्सपैंड करेंगे, अभी मोहल्ला क्लिनिक बहुत सारे खुल रहे हैं। पीछे कैंपेनिंग में मैं पर्सनली लास्ट इलेक्शन में तो नहीं गया था, इस इलेक्शन में मैं ऐसी जगह पर भी मैंने साथ में कैंपेनिंग किया शिवचरण जी के साथ, वहाँ जाके पता लगा कि अभी हमने सिर्फ शायद 5 या 10% काम भी नहीं किए, तो अभी तो बहुत काम होने हैं, बहुत बहुत काम होने हैं दिल्ली की जनता के लिए, और इस 5 साल में हमारे को एक्चुअली कुछ और नई चीज़ें ऐसी लानी हैं, उनकी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है, लिविंग स्टाइल ऑफ दिल्ली अगर हमें इंटरनेशनल लाना है तो अभी हम शायद 1-2% ही के लिए, हमने तो अभी बहुत कुछ अचीव करना है। अच्छा सर, आपसे बात करेंगे मोतीनगर को लेकर, यहाँ के जो भी शिवचरण गोयल जी आपके MLA हैं, अभी यहाँ से दोबारा पुनः बनाए गए, उनका 5 साल किस तरह रहा सर क्षेत्र के विकास के लिए, जनता में वो कितना उन्होंने अभी भरोसा उन्होंने जताया? शिवचरण जी जब पिछली बार आए थे तो मैं उनका नाम जानता भी नहीं था कि कौन शिवचरण गोयल जी हैं, और कहीं ना कहीं हमें, हालांकि मैं जुड़ा था पार्टी से, लेकिन एक नए फेस थे, हर आदमी मोस्टली हम लोग नए फेस थे, लेकिन अगले 5 साल में और स्पेशली लास्ट 2 साल में जब ये कैमरेज इंस्टॉल होने शुरू हुए, लाइटें इंस्टॉल होनी शुरू हुई, तो पता लगा कि हाँ भाई बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स की टीम है उनके पास। कीर्ति नगर में जब भी प्रॉब्लम आई, हमने जब भी फ़ोन किया तो तुरंत हमारा निवारण भी हुआ, और पिछले 1 साल में तो मैं खुद भी इन्वॉल्व हुआ इसके अंदर कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप कीर्ति नगर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं प्रॉब्लम आई तो आप हमें बताइए। पिछले 1 महीने में जब मैं उनके साथ रहा, उनके ऑफिस में मैंने काम किया, तो मैंने देखा कि वहाँ हर आदमी के अंदर एक एनर्जी है, कुछ बेहतर करने की एनर्जी है, ठीक, और ठीक। वो मैंने पिछले 20 साल में दिल्ली में नहीं देखी थी। तो सर आगे क्या प्लानिंग है शिवचरण गोयल जी की? अभी जैसे जनता ने भरोसा उनको दी जताया, दोबारा उनको बनाया बताया, तो आने वाला समय किस तरह रहेगा मोतीनगर? ठीक है, हम लोग, अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी सोच ये है कि हमारे को एक तो व्यापारियों पर हमें काम बहुत करना है, और हमारे पास जितने भी फैमिलीज हैं, चाहे वो मोतीनगर हो, चाहे वो कीर्तिनगर हो, चाहे वो मानसरोवर हो या करमपुरा हो, हमें सेगमेंट वाइज भी देखना है कि हमें हर सेगमेंट को कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या काम देने हैं। तो हमारे मेजर रोड्स का भी प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत सारी रोड ऐसी हैं जो रिपेयर होनी है, तो उसको भी हम देखेंगे, और कहीं ना कहीं मेरा ध्यान और मेरी टीम का ध्यान रहेगा कि व्यापारियों को नॉट ओनली शिवचरण गोयल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी बट दिल्ली के अंदर जितने व्यापारी हैं और हर तरह के हैं, उनकी कैसे हम लोग और बेहतर जिंदगी बना सकते हैं और क्या क्या स्टेप ऐसे दिल्ली गवर्नमेंट ले सकते हैं, उस पर फोकस रहेगा। तो सर ये तो बातें मतलब केजरीवाल जी ने कहा था कि 24 घंटे व्यापार को लेके हम करेंगे चर्चा, आने वाले जो हमारा प्लानिंग है, तो इसको लेके क्या संदेश?
देखिए वो हम लोगों की कोई रिकमेंडेशन थी जो वहाँ पहुंची और हम हैप्पी कि वो मैनिफेस्टो में ऐड हुआ। वो एक्सपेरिमेंट हम जरूर करेंगे, जैसे हमने ऑडिगन का एक्सपेरिमेंट किया, लोगों ने कितना उसको अप्रिशिएट किया, तो कहीं ना कहीं वो महिला सुरक्षा से भी जुड़ा रहेगा, क्योंकि रात को जब मार्केटें खुली रहेंगी, कमर्शियल स्पेसेस खुले रहेंगे, दिल्ली भी इंटरनेशनल सिटी है, वहाँ पे एयरपोर्ट भी है, तो नाइट लाइफ में आप देखोगे तो या तो एयरपोर्ट जाने वाला आदमी बाहर रहता है या कोई असामाजिक तत्व है जो बाहर रहता है, लेकिन जब जनता बाहर रहेगी, इतना बड़ा बीपीओ सेक्टर हमारे यहाँ है काम करता है, तो उनके लिए नाइट लाइफ खुलेगी। तो मैं समझता हूँ कि लाइट रहेगी, हर जगह लाइट के इंजाम होंगे, मोहल्ला मार्शल्स को हम लोग अपॉइंट करना चाहेंगे, उसके बाद आपका कैमरेज लगे हुए हैं और फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस खुल जाएंगे, तो रात की नाइट लाइफ जैसे बॉम्बे में सेफ है, हम उसको कहीं ना कहीं दिल्ली में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अच्छा लोकेश जी, आप भी एक समाज सेवक हैं और आप एक पार्टी से जुड़े हैं, तो समाज से आप किस प्रकार जुड़े, जो भी असहाय लोग होते हैं उनकी आप किस तरह मदद कर रहे हैं? देखिए मैं एज ए व्यापार, मेरे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कंसल्टेंसी है, तो मैं जो भी काम करना हो रहा अभी भी जो करूँगा हमारी पार्टी में, वो कहीं ना कहीं देखूँगा कि दिल्ली में हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट बहुत कम है, दिल्ली एक सर्विस इकोनॉमी है, बहुत सारे एक्सपोर्ट सर्विसेज की हैं, और इस अगले 5 साल में मेरी जो कंट्रीब्यूशन रहेगी समाज को, वो ये रहेगी कि मैं कैसे रोजगार बढ़ाऊं और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ दिल्ली के व्यापारी को जोड़ूँ, चाहे वो लीगल सर्विसेज में हो, चाहे वो सीए सर्विसेज में हो, चाहे वो किसी मैन्युफैक्चरिंग में हो, कि किस तरह से वो एक्सपोर्ट जुड़े जिससे डायरेक्ट जॉब क्रिएशन होती है और फॉरेन अर्निंग होती है, वो पहले दिल्ली गवर्नमेंट को बेनिफिट देगी, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बेनिफिट देगी, तो इस पर मेरा ध्यान रहेगा। तो सर इस बार क्या लगता है, तालमेल बनेगा इस बार दिल्ली सरकार केंद्र को? बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि हम तो यही कहते हैं कि इलेक्शन से पहले कुछ भी डिफरेंसेस थे ठीक है, लेकिन अब तो आप भी सेवक हो मैं भी सेवक हूँ, और हम दोनों की अगर हमें, मैं तो बोलूँगा कि जो मैनिफेस्टो हम लाए और जो मैनिफेस्टो आप लाए, हमें उन दोनों पे काम करना चाहिए। तो जब आपके मैनिफेस्टो की मैं बात करूँगा और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, तो सेंटर क्यों नहीं सपोर्ट करेगी? लेकिन आपने देखा होगा पिछले 3 साल में अरविंद केजरीवाल को भी देखा होगा और बाकी सारे हमारे जो लीडर्स उनको देखा होगा कि उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि भाई अगर हमें काम कराने हैं, हमारे लिमिटेशंस क्या हैं और हमें कितने काम हम करा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा कि हमारे स्कूल्स और हॉस्पिटल में इतनी इंप्रूवमेंट है, क्योंकि वो हमारे अंडर में कंट्रोल में है, ट्रांसपोर्ट हमारे कंट्रोल में है, अब मेट्रो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ट्रांसपोर्ट हमारे कंट्रोल में तो हमने बसें फ्री करा दी महिलाओं के लिए, अब कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स के लिए भी कर रहे हैं। मेरा पर्सनली मानना ये है कि जितनी ये फैसिलिटी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की या पब्लिक फैसिलिटीज आप फ्री करते रहोगे, उससे बेनिफिट डायरेक्टली सिटीजन को जाता है, आम आदमी को जाता है, और जो वो पैसा बचा रहा है वहाँ, वो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूट करेगा, वो कहीं और लेके नहीं जाएगा, वो खर्च तो उसे कहीं और करेगा, वो भी बाय द वे इनडायरेक्टली आपके पास फिर इकोनॉमी में अंदर आ रहा है, तो वो चीज़ें हमें इस बार करनी है। धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। तो यह थे हमारे बीच लोकेश पराशर जी, स्टार सवेरा सर जितेंद्र गुप्ता। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।